हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर ट्रिक एंड क्यूब ट्रिक। 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें चुटकी बजाते हुए, या 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करें, ये मैं आपको बताते चल रहा हूँ। वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको बात क्लियर होगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो जो है। सबसे पहले मैं ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना आपको बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 2 डिजिट्स, 10 से लेकर 99 तक के जो नंबर होते हैं उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 2 अंक होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है उन्हीं नंबर का स्क्वायर फाइंड करने चल रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। देखिए 1 से लेकर 9 तक के सारे स्क्वायर तो आप सभी को पता है जो है। अब हम थोड़े से बड़े नंबर लेकर के आपको स्क्वायर बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम ले लिया यहाँ पर 34। हमें 34 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 और 4 इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 × ये स्क्वायर का 2, इसको भी ले लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, ये हो गया 24। अब आपको यहाँ पर ये करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 कर देना है, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर देना है आपको 16, ठीक है। यहाँ 2 अंकों में लिखना है, अगर 1 अंक आ रहा है तो हम उसको 0 के साथ लिखेंगे। अब ये 24 को जो है यहाँ इकाई का अंक छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करिए। पहला अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखना शुरू करिए। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 6511, ये आपको इसका स्क्वायर जो है मिल गया। आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 68 का स्क्वायर फाइंड करना है। 68 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 6 × 8 × 2 कर लेंगे। तो 6 × 8 = 48, 48 × 2 = 96 होता है, ठीक है, 48 × 96 = 96। अब यहाँ 6 × 36 करना है और 8 × 8 ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। इकाई का अंक छोड़ करके इसको आप लिख लीजिए। तो ये 6 लिखा, 9 लिखा, ऐड कर दीजिए, 4 × 6 = 12, 1 × 6 = 7, 9 = 16 और 3 × 1 = 4, ये हमें इसका स्क्वायर मिल गया, 4624 इसका हमें स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और एक बड़ा नंबर ले लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर ले लिया 77 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो 77 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7 × 7 × ये 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 7 = 49, 49 × 2 = 98, ये हमने लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, इस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 1 अंक छोड़ के इसको आप लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, 9 × 8 = 12, 9 × 9 = 18 और 1 × 19 = 5, ये हमें इसका स्क्वायर मिल गया, 5929। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नंबर लेते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमें निकालना है 89 का स्क्वायर निकालना है। 89 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो सीधा सा है ये, 8 × 9 × 2 कर लीजिए, 8 × 9 = 72, 144 होता है। अब आप इसका 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। 1 अंक यहाँ से छोड़ दीजिए, छोड़ करके इसको लिखना शुरू कर दीजिए, 441 ऐड कर दीजिए, 1 × 8 = 12, 2 × 4 = 8, 1 × 9 = 6 और 1 = 7, ये मिल गया हमें 7921, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ा नंबर ये 99 है, या 98 का स्क्वायर ले लीजिए। 98 का स्क्वायर कैसे जल्दी से फाइंड करेंगे, तो 9 × 8 × 2 करेंगे। मन में कर सकते हैं आपको, 9 × 8 = 72, 2 × 144 हो गया, ठीक है, 9 × 9 = 81, 8 × 8 = 64 हो गया। अब इसको आप एक छोड़ करके लिख लीजिए, 441 ऐड कर दीजिए, 40415168 19, ये मिल गया हमें 9604, ठीक है। ऐसे ही आप 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, ये ले लीजिए 99 का, तो 9 × 9 × 2 करेंगे तो 9 × 9 = 81 हुआ, और 81 × 2 = कितना हुआ, 162, ठीक है। अब 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81, एक छोड़ करके इसको लिख लीजिए, 261 ऐड कर दीजिए, 1089, यानी ये मिला हमें 9801। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि 2 अंक की सभी संख्याओं का स्क्वायर जल्दी से हम कैसे फाइंड करें। चलिए मैं आपको आगे बताने चल रहा हूँ।
अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि ऐसे संख्याओं का स्क्वायर निकालना बेहद आसान होता है जिनका इकाई के स्थान पर 5 होता है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एज इट्स यूनिट डिजिट। अगर इकाई के अंक पर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बेहद आसान होता है। देखिए यहाँ जैसे हमने कर लिया, ये 35 का स्क्वायर हमें करना है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट वाला 5 है इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 हो गया, और जो ये 3 है इसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप 45 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे पूरा, 4 से बड़ा नंबर 5 होता है, 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया। ऐसे ही हमें 55 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 5 से एक नंबर बढ़ा, 5 6 30, यानी दहाई का अंक जो है वहाँ पर एक नंबर बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो 65 का स्क्वायर निकालिए, देखिए 5 5 25 और 6 एक बड़ा नंबर 7 होता है, 6 7 42। आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो 95 के स्क्वायर के लिए 5 5 25 और 9 से एक बड़ा नंबर 9 10 90। ये हो गया 2 अंक की संख्याएं, इसको आप 3 अंक में भी लागू कर सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है 105 का स्क्वायर निकालना है तो 105 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 से बड़ी संख्या 11 होता है, 11 धम्मा होता है 110। ये हो गया 115 का हमें स्क्वायर निकालना है तो 115 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 5 25 और 11 11 से बड़ी संख्या 12 है तो 11 को 12 से गुणा करेंगे जो है तो 132 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 132। अब बढ़ते हैं, आपको 125 का स्क्वायर करना है तो 125 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 से एक बड़ी संख्या 13 लेंगे, 12 और हमें 144 144 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 156 हो गया। ऐसे ही 135 को आपको स्क्वायर करना है तो ये 5 5 25 हो जाएगा और 13 से एक बड़ी संख्या 14 होता है, ठीक है, तो 13 में 169 में 13 जोड़ देंगे जो है तो ये आ जाएगा 182। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वो संख्याएं जिनके लास्ट में 5 होता है, जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, चुटकी बजाते हैं उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि 3 अंकों की संख्याओं का आप स्क्वायर कैसे जल्दी से निकालेंगे। अब आइए देखिए जो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 3 डिजिट्स, ऐसे नंबर जिसमें 3 अंक होते हैं, तो ऐसे नंबर 3 अंक वाले कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से लेकर के जो है 999 तक की संख्याओं में 3 अंक होते हैं, इनका स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसके लिए एक ट्रिक आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ये संख्या है 204, तो ये किस सैकड़े के करीब है हमें ये सोचना है, 204 आप देख रहे हैं तो ये 200 के करीब है, ये 200 के करीब है, 200 से कितना ज़्यादा है +4, तो इसमें से हम -4 भी कर देंगे और इसमें हम +4 भी कर देंगे, ठीक है। 200 में -4 करेंगे और 200 में +4 करेंगे, फिर ये जो 4 आ रहा है 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, यहाँ हमने 16 लिख दिया, 4 4 जा 16 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो आ रहा है 200 आ रहा है, ये -4 किया 200 और +4 किया 208 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो जीरो है, कितने जीरो हैं यहाँ पर, दो जीरो हैं, यानी यहाँ हमको दो अंक, टू डिजिट हमें लिखना है, ठीक है। अगर 3 जीरो होंगे तो 3 डिजिट लिखेंगे, 4 जीरो होगा तो 4 डिजिट लिखेंगे, 1 जीरो होगा तो 1 डिजिट लिखेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ये खाली यहाँ पर जो 2 है, 2 से हम इसको गुणा कर देंगे, 2 से इसको गुणा करेंगे, देखिए 2 8 16 और 2 2 4, ठीक है, और ये 16 का पूरा 2 अंक यहाँ पर लिख दीजिए, ये हमें इसका स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आ गया 4 1 6 1 6। चलिए एक और नंबर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ये थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं इससे। अब देखिए एक नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर, हम एक नंबर ले रहे हैं यहाँ पर 424, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान दीजिए उसी ट्रिक से आइए। ये किस सैकड़े के पास में है, ये 400 के पास में है, ठीक है, तो 400 के पास में है तो इसमें -24 करना पड़ेगा और +24 करना पड़ेगा, और 24 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब जो है 424 में 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400
और 24 और 24 जोड़ेंगे तो 48, 400 ये 48 हो गया। अब ध्यान देना है, मैंने आपसे बात किया था कि यहाँ पर कितने जीरो हैं, यहाँ पर दो जीरो हैं तो इसका हम दो अंक ले लेंगे, बाकी ये जो होगा ये आएगा यहाँ पर कैरी ओवर होकर के आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर हासिल आकर के लग जाएगा। सिर्फ दो अंक लेंगे, यहाँ जितने जीरो होंगे उतने ही अंक लेंगे और जीरो को हम यहाँ पर छोड़ देंगे और चार से गुणा कर देंगे इसको, तो 4 8 32 हुआ। 4 8 32 में ये हासिल जोड़ दीजिए, 4 8 32 5 37 के साथ हासिल 3, 4 4 16 3 19 हासिल 1, 4 4 16 और 1 17 और ये दो अंक यहाँ पर लिख दीजिए, तो हमें इसका स्क्वायर मिल गया कितना, 179776 हमें 424 का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब आइए देखिए इसका स्क्वायर देखते हैं, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, इसका स्क्वायर क्या आएगा देखिए, 395 है, किस सैकड़ा के पास में है, ये 400 के पास में है, यानी इसमें हमें प्लस 5 करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें माइनस 5 भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 400 लाने के लिए हमें प्लस 5 करना पड़ेगा, माइनस 5 करना पड़ेगा और 5 हम ऐड कर रहे हैं, 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखिए इसमें प्लस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणे माइनस 5 करेंगे तो 390 आ जाएगा ये, ओके। अब यहाँ देखना हमारा कितने जीरो है, यहाँ पर दो जीरो हैं यानी इसका दोनों अंक आएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 400 496 और 4 3 12 12 3 कितना हो गया, 15 और ये आपका दो जीरो आ गया, 156025, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 156025। आइए अब देखते हैं, ये है 716, 716 का स्क्वायर करना है, तो इसको देखिए किस सैकड़े के करीब है, तो ये 700 के करीब है, 700 के करीब है, यानी कि इसमें से हमें माइनस 16 करना होगा और इसमें हमें प्लस 16 करना होगा, ठीक है। 700 में से 16 घटाएंगे तो 700 आ जाएगा, 700 में 16 में 16 जोड़ेंगे 732 हो जाएगा, तो पहले घटा लीजिए, ये हो जाएगा 700 गुणे 732 हो गया। अब यहाँ 16 का वर्ग कितना होगा तो होता है 256 होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो जीरो है तो ये दो अंक लिखेंगे और ये दो हमारा जो है कहाँ आएगा, कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा करने पर जो आएगा तो 7 2 14 14 और 2 कितना होता है, 7 2 14 14 और 2 कितना होता है, 16 16 के 6 हासिल आया 1, 7 3 21 और 1 22 हासिल आया 2, 7 7 49 49 2 हुआ 51। अब आप इसमें ये लिख दीजिए दो अंक, तो ये आ गया कितना, 512656। आप इसको चेक कर सकते हैं 716 को 716 से गुणा करके, यही चीज़ यहाँ पर आप देखिए 998 का हमें निकालना है, ये किसके करीब है, 998 देखिए, ये जो है अगर इसमें हम प्लस 2 कर दें तो ये 1000 हो जाएगा और माइनस 2 कर दें तो जो है ये 996 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1000 के करीब है, तो 1000 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 गुणे 998 में से 2 घटा देंगे 996 आ जाएगा, और 2 को प्लस माइनस कर रहे हैं तो 2 2 4 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है तो इसे 3 अंक चाहिए तो 2 जीरो इधर बढ़ा लेंगे, अब ये कितना हो गया, 3 अंक हो गया, ठीक है। अब जो है एक से इसको गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो 996 आ जाएगा, यहाँ हासिल कुछ नहीं है, जीरो है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसी को आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये मिल गया हमें 996004, इसका भी स्क्वायर निकल आया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, आगे मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए अब मैं आपके सामने एक ऐसा नंबर लेकर के आ रहा हूँ जो थोड़ा सा जो है टफ होगा, जो थोड़ा सा जो है करने में कठिन लगेगा, उसको आप क्या करेंगे, अभी हम कोई नंबर 100 के करीब हो रहा था, अगर कोई नंबर जो है वो 50 के करीब हो रहा है तो हम उसको कैसे निकालें, कैसे उसको करें, ठीक है। तो जैसे हम आपको बताने चल रहे हैं कि देखिए एक नंबर है हमने लिख लिया यहाँ पर 342 का हमें स्क्वायर करना है, तो देखा जाए तो सैकड़े में तो 3 आ रहा है, ये 300, लेकिन 42 काफ़ी बड़ा है, ये 50 के करीब है, ठीक है, तो 50 के करीब है तो हम इसको 50 बना लेंगे। इसको 50 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 करना पड़ेगा
और माइनस 8 करना पड़ेगा, ठीक है। और 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, 8 जा कितना हो गया 64 हो गया। अब जो है प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 350 हो जाएगा, इनटू माइनस 8 करेंगे जो है तो ये हो जाएगा 334 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पर हमेशा दो अंक लेना है, दो जीरो मान के चलना है, यानी कहने का मतलब इसको आप समझ लीजिए कि हमको 100 से डिवाइड करना है और 100 में दो जीरो होते हैं तो यहाँ भी आपको दो अंक लेकर के चलना है, इधर अगर कोई अंक रहता है तो वो कैरी ओवर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ काट दिया हमने, देखिए 10 से इसको भाग कर दिया तो आया 3.5 × 334। अब क्वेश्चन ये है कि 3.5 से इसको मल्टीप्लाई करना जो है थोड़ा टफ है, तो इसको डेसिमल को हम इसको लिख सकते हैं 7/2 × 334। 2 से कट कर दीजिए इसको, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42, 4 × 4 = 46 और 7 × 7 = 11, और ये दो अंक यहाँ पर ला दीजिए तो हमें इसका स्क्वायर मिल गया 116964। तो ऐसी संख्याएं जो 50 के करीब हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए ये ट्रिक यूज़ में करेंगे। आइए दोस्तों हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे जो है 1 से 1000 तक की संख्याओं का क्यूब कैसे निकालें।